सालिकपुर हुआ कि बख्तियारपुर हुआ? सालिकपुर हो गया। क्या हुआ? कहाँ से आ रहे थे मैम? हम लोग पटना से आए थे, ममता में वो बर्थडे था। ममता पीछे ही रह गया क्या? और फिर उसके बाद चाय पी लेते वहाँ बख्तियारपुर। तो तुम लोग इस रोड पे जा रहे थे जी? मतलब ममता होते हुए फिर वहाँ पे चाय पी लो, कटनी है वहाँ पे चाय पी लो, उसके बाद अभी चाय पिए हम लोग वहाँ पर, उसके बाद बंद हुआ, उसके बाद फिर हम लोग जा रहे थे। हम लोग गश्ती में थे यहाँ पे, पांच जो है एकदम राउडी तरीके से, ना तो कोई पहने हुए जूता, सब मतलब चप्पल वप्पल पहन करके वो मतलब एकदम इरेस्पॉन्सिबल तरीके से ड्राइव कर रहा था। रोकने पे तो ना तो किसी का एज है, ना कोई पेपर है किसी के पास, ना डीएल है, ना हेलमेट है, कुछ भी नहीं है। ओनर बुक नहीं है, ड्राइविंग लाइसेंस है, ये भी ड्राइविंग लाइसेंस है। योगेश्वर सिंह ये बताओ कि क्या उनको एज क्या है? 70। गाड़ी चला सकते हो भाई बिना लाइसेंस के? मतलब गलत कर रहे हो ना? यस। अब पेपर, इसका पेपर, गाड़ी का पेपर, बख्तियारपुर फोर लेन पे चेकिंग रात्रि गश्ती में निकलने के दौरान हमने पाया कि करीब 11 लड़के पांच बाइक पर लहरिया कट काटते हुए पटना की तरफ जा रहे थे। चेकिंग के दौरान ना तो उनके पास से कोई ड्राइविंग लाइसेंस निकला है, और जैसा कि लोग बता रहे हैं कि सब लोग ऑलमोस्ट अंडर एज हैं, और ना ही इनके जो गाड़ी का कोई पेपर मिला है, ना ही किसी ने हेलमेट पहना हुआ था। वो सबको ला करके जो है ट्रैफिक रूल्स का क्लियर वॉयलेशन है, और जो भी ट्रैफिक नियम के हिसाब से है वो कार्रवाई की जाएगी। कहाँ के रहने वाले हैं और फोरलेन पर क्या कर रहे हैं? ये सब बता रहे हैं कि ये लोग कुछ वहाँ पे नाला रोड के रहने वाले हैं, कुछ गुमराहर के रहने वाले हैं, और फोरलेन पे इनका कहना है कि अपने किसी फ्रेंड का एक बर्थडे मनाने के लिए आए। हाईवे चेकिंग का क्या उद्देश्य था? हाईवे चेकिंग का उद्देश्य ये है कि ऐसा पाया जा रहा है कि स्पेशली इस फोर लेन पे आए दिन कुछ ना कुछ घटनाएं हो रही हैं, तो चेकिंग से जिससे कि पुलिस का प्रेजेंस दिखाई दे और जो अनलॉफुल एलिमेंट्स हैं और जो क्रिमिनल एलिमेंट्स हैं उनमें एक डर पैदा हो, जिससे कि क्योंकि मेन हाईवे है, कई स्टेट्स की गाड़ियां गुजरती हैं, आसपास के लोग होते हैं, स्टेट डिस्ट्रिक्ट से कनेक्टिविटी है, उसको सेफ एंड सिक्योर करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी।